pasera. और यहां से इतने सुंदर मौका मिलने के बावजूद हालांकि मैदानी गोल नहीं हुआ, लेकिन यहां पेनल्टी शॉट आउट में दोनों ही टीम के प्लेयर्स को एक एक शॉट बहुत ही बारीकी से शॉट लेने की जरूरत है। और ये देखिए पहला शॉट सफल शॉट विजय सोरेन के नंबर 10 के द्वारा। अच्छा गोल बहुत ही बारीकी से यहाँ पर शॉट लेने की जरूरत है दोनों की टीम के खिलाड़ियों को। तो निश्चित ही आप यहाँ से इस मैच को जो है जीत करके सेमीफाइनल के लिए अपनी जगह को सुनिश्चित कर पाएंगे। और ये भी बहुत ही शानदार गोल दोनों की टीम का, ये पहला शॉट गोल में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट मैच के लिए सेमीफाइनल मैच के लिए एफसी ब्रदर टीम पाकुड़ वर्सेस राम लक्ष्मण इस चार से बच गई। आप जल्द से जल्द अपने प्लेयर्स के साथ प्रेसअप हो गए डग आउट पर आने की कोशिश करेंगे। और गोलकीपर के लिए खास अनाउंसमेंट, यहां पर पांच बॉल में जो भी गोलकीपर दो बॉल सेव कर लेंगे उनको दी जाएगी ₹1,000। जो गोल के दरमियान ₹1,000 रखा गया था स्पॉन्सर की गई थी प्रिंसिपल महोदय के द्वारा हाथीवाड़ा के द्वारा। जो भी गोलकीपर दोनों टीम में पांच बॉलों में से दो बॉल भी अगर रोक लेते हैं भले वो टीम हार जाए लेकिन दो बॉल कंटिन्यू सेव होना चाहिए तो वो टीम के गोलकीपर को दी जाएगी ₹1,000। और ये भी सरदार गोल आया है दूसरे नंबर पर जर्सी नंबर 13 जैक्सन के द्वारा। टीम के कैप्टन बारीकी से एक एक सबसे विश्वासी खिलाड़ी को यहां पर भेजते हुए, और यही होता है टीम के कैप्टन का रोल ऐसे मुश्किल अवस्था में अपने टीम को किस प्रकार से उभारना है या ऐसे समय किन किन प्लेयर्स को भेजा जाए कि अपने टीम के हित में अच्छा कर सके। और इस समय इस मैच को यहां से सेमीफाइनल के लिए सुनिश्चित कर सके। अगला शॉटर के रूप में रांची टीम से जर्सी नंबर 4 पहने हुए खिलाड़ी नीतीश कुमार। और ये भी गोलकीपर के सीधा में अच्छा गोल, यहाँ पर बॉल को रोकने का अच्छा मौका बनाया था। बॉलर की चोट रहे गोल का और बनार के नहीं तभी बबर कुटे की सोन का बनाना बॉल गोल बना और बनार के बबर कुटे गोल कर बराबरी ने बना के रख। दोनों ही टीम दो दो बॉल में दो दो शून्य की बराबरी पर। यहाँ समय के महत्व को इन्होंने समझा है खास करके टीम के मैनेजर और कैप्टन को, इनके डिसिप्लिन मेंटेन के लिए यह आयोजन कमेटी का दिल से धन्यवाद करती है। और ये भी इतना सुंदर गोल सीधे बॉटम कॉर्नर पर, और टीम में तीन गोल आया है इस बार सोरे निशान पर फोटो का। और ये तीसरे नंबर पर जर्सी नंबर 8 जाएंगे तीसरे शॉटर के रूप में रांची टीम से गोपी कुमार महतो जी।
क्योंकि सब्स्टिट्यूट बेंच से ये खिलाड़ी ग्राउंड के अंदर आए हैं। उम्मीद है इनके ऊपर, क्या उसमें खरे उतर पाएंगे, क्या खोल करके मैच को लेवल कर